माँ तारी तू सुंदरी तन जाए साधु पूते जो साधु ना जामती तब साहेब जाते उते। अरे धनधन वो माता सुंदरी है जो ऐसे संतों को जन्म देती है। संतों के दरबार में लखिया में लख जान साचे साचे रण मिले यहां झूठे नहीं समा। अरे बतेरा तो भंडारा खावेंगे चाल पड़ेंगे नारा तू रोड़े देंगे ये पर नहीं भाई। सत्संग में सुख बिलस ले नरी उतरिया चावे पारे तू खोटा मन बदलाय ले सतगुरु सुगड़े सुनारे। मेरे साहिब ये देश संतों का है और सत्संग की धारा तो बड़ी अटपटी है। सत्संग को समझने के लिए हमें उस सूक्ष्म बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है नहीं तो जीव भ्रमित रहता है। वो हमेशा काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में फंसा रहता है। शील संतोष ज्ञान दया भक्ति संतों के चरणों में निवास करती है वहां से तू अपनी भक्ति करने का माध्यम ले ले अपना शीश चढ़ा दे तो फंसा जा रहा है। तो संतों ने क्या कहा है समझ बिन बावरारे तेरा ये किरणे काई दाम समझ बिन बावरारे ये किरणे काई दाम समझ बिन दिन सोच रहे हो कि मनुष्य का चोला मिल गया और थारी नहीं रह जागी बड़ी ना चौरासी के कीड़े भी बन सको वजन करने की तो यही अवस्था बाजार में रे ये फिर है साहूकार ये हीरा की
जिन्होंने इस आश्रम में हमारे आने के बाद अपने हृदय के अंदर खुशियों के चिराग जलाए, कुछ संगत ने तो वे चिराग बाहर हाथ में जल धक्के जलाए, कुछ ने वो आंखों से झलकाए और किस किस के तो चेहरों ने हमें बताए कि महाराज जी हम बहुत खुश हैं। ओ समंदर जैसे सती चढ़ी पिता पैरे लगा पिया से प्यारे, ओ जैसे सती चढ़े पिता पैरे लगा पिया से प्यारे, अपने कैसियो मास्टर को और बैंड मास्टर को, क्या समन्वय, क्या संगीत का संगम दिया। गुरु महाराज इस संगीत की कला को बनाए रखे हैं। और ये सूरारण में जाए कह रे इसकी बेबाई, सूरारण में जाए कह रे इसकी बेबाई। अरे रण में यदि इंतजार करे सूरवीर कि मेरा साथी आवेगा, मैं जब युद्ध लड़ूंगा तो फिर उड़े युद्ध फते नहीं हो, ऐसे ये भक्ति का मार्ग है। इसमें जब कोई फकीरी बाणे में आता है तो संसार से मुख मोड़ लिया करता है। कहते हैं कि भक्ति के घर दूर दीवाने, ये तो जीते जी मर जाना,
गोपी चंद श्री राजा जिन्हें ले लिया भगवान, अरे राज छोड़ छोड़ से के लोग, अरे फकीरी में आगे वो कोई मजाक नहीं। अरे सूरा रण में जाय के इसकी देखे बाते, सूरा रण में जाय के इसकी देखे बाते। आगे तो हिसाब धरे स्वागत करते हैं उनको, लग लग बधाई है गुरु महाराज उन्हें यूं ही इतना धनमाल देते रहे कि वो संतों पर यूं ही लुटाते रहे। और ये वाणी हमें क्या समझाती है, नो कह जिसका लग जा हो जा पार, शब्द तलवार है भाई, यो मनोरंजन का साधन को नहीं। अरे ईसा संत महाराज खेकड़े में आए और रंग ला दिया जीता जाट के, जीता जाट बारागाम का चौधरी रंग ला गया और फकीर हो गया। जब फकीर हो गया ईसा संत महाराज क्या लग रहा जीता इनको, हाँ महाराज घर आज चले आ जाए कि महाराज घर तो आ गया, मेरा असली घर तो यो ही है। जीता ये लोग के कहेंगे फिर महाराज मेरे मन मान्य सतगुरु थारा नाम, और लोग तो कहे जुला जुला मुझे दर्श रहा राम। और जो अंदर से भगवान मान लेगा ना अपने गुरु को, वो निश्चित यम की बेड़ियों से पार होगा। यो संजदास आज थारे सामने नहीं खड़ा, यूट्यूब पर घड़े लोग देखते होंगे, अड़मन 36 साल गाते होंगे, बरम भी मत करियो। और अपने अनुभव की बता रहे हैं, गुरु को मानस जानते वे नरक ये अंध, और दुखी हो संसार में पड़े जमो के थन। अरे गुरु के समान नहीं दूसरा ज्ञान में, गुरु ब्रह्मा रूप जानो, सब्जी का स्वरूप जानो, साक्षात में विष्णु जानो, नू लिखा है पुराण में। तब न्यू भी भरम ना करे, और बाबा रोटी खा गया, बाबा रपे ले गया, बाबा पढ़ के सोवे, बाबा भजन नहीं करता, अरे तम न्यू कह के तो अपनी करनी बिगाड़ लोगे ना। एक डाल पे दो पक्षी, एक गुरु एक चेला, और अपनी करनी गुरु जागा अपनी करनी चेला। बाणा पूज ना फालो भाई, और उनके उगण उनके माई, न्यू ना छाणियो क्यों, नू छाने लग जाओगे ना तो भक्ति वाला समय मेरी तेरी में चला जाएगा। कबीर साहब ने कहा मनवा नहीं बिचारी रे, और मेरी तेरी करते खुदी तना उमरा सारी रे। या थारे ढिकवे बैठे के जो मैं कह रहा, तो जीता जात क्यों कह रहा, मेरे मन मान्या सतगुरु थारा नाम, लोग तो कहे जुला जुला मुझे दरस राम। तो वहां कहते महाराज अरे भीसा साईं पाठशाह रे,
सीता प्रेम विचारी ईसा सतगुरु पातशाहे सीता प्रेम विचारी ईसा साईं पातशाहे सीता प्रेम विचारी साधो सत्संग।